राजधानी जयपुर में मिसेज ग्लैम इंडिया सीजन 4 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आप सभी को बता दें कि सभी मॉडल रिसॉर्ट के अंदर मौजूद हैं और साथ ही उनकी तैयारियां करवाई जा रही हैं, जिसमें उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि किस प्रकार से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाया जाए और साथ ही वहां पर किस प्रकार से रैंक वॉक की जाएगी और अन्य गतिविधियां भी उन्हें बताई जा रही है। तो हाल फिलहाल अभी वहां पे क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाता है हमारे रिपोर्ट में। रवि सूर्या ग्रुप व अनंता रिसॉर्ट जयपुर प्रेजेंट SKJ ज्वेलर्स मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 4 के पार्टिसिपेंट्स जयपुर पहुंच चुके हैं। पहले दिन ग्रूमिंग सेशन अनंता रिसॉर्ट परिसर में शुरू हुआ है। इस दौरान मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम के फाउंडर डायरेक्टर पवन टांग, CEO कीर्ति टांग और अन्य सहयोगियों ने मिस एंड मिसेज कैटेगरी की पार्टिसिपेंट्स को सैश पहना करके वेलकम भी किया है। फोटोशूट्स के बाद में वेलकम सेरेमनी में सभी मॉडल्स ने पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपना इंट्रोडक्शन दिया। साथ ही मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम का ताज अपने नाम करने के लिए अपनी तैयारियों के बारे में भी बताया है। पवन टाक के अनुसार मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले के लिए देश भर से टॉप 40 चुनिंदा प्रतिभागियों को फाइनलिस्ट के तौर पर चुना गया है। ग्रूमिंग सेशन के दौरान इन्हें सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर हैदर अली एंड टीम की ओर से कैटवॉक, सेल्फ प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट के अलावा विभिन्न एक्सपर्ट्स की ओर से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि फिनाले शो में हर प्रतिभागी अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दे सके। 28 दिसंबर को पूर्व फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड सुपर मॉडल व बॉलीवुड एक्ट्रेस सयाली भगत सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में विनर्स की काउंसलिंग करेंगी व इंडिया ग्लैम स्टार 2023 के अवार्डीज को सम्मानित भी करेंगी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।